मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह का दिया बयान अब विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल स्वर्ण महिलाओं को लेकर उनके द्वारा दिया गया विवादास्पद बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। सवर्ण जाति सहित सवर्ण महिलाओं पर बोलते हुए बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि महिलाओं को समाज से कंधे से कंधा मिलाकर चलने नहीं दिया जाता। बड़े बड़े लोग अपने घर की महिलाओं को आज भी कैद करके रखते हैं, जिसके कारण समानता का अभाव है। यदि समानता लाना है तो उच्च जाति की महिलाओं को भी घर से खींच कर बाहर निकालना होगा। इस बयान को लेकर सवर्ण और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश है। इसके चलते करनी सेना के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह भदौरिया के नेतृत्व में परेड चौराहा भिंड में कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल का पुतला फूका गया और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बिसाहूलाल को मंत्री पद से हटाने की मांग की गई। इस अवसर पर करनी सेना, सवर्ण समाज और कई क्षत्रिय संगठन मौजूद थे। माननीय मंत्री जी ने जो बयानबाजी की है उसका हम सभी भाई घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। इन्होंने कहा है कि ठाकुर ठाकरे अपनी औरतों को कोठरी के अंदर बंद करके रखते हैं और हम इन्होंने अपनी जाति के लोगों से कहा है कि हम आप लोग जाएं, इनके घर पे जाएं, इनको खींच के बाहर निकाल के लेके आएं, तब समानता आएगी देश में। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कैसे समानता आएगी? क्या माँ बहनों को खींचकर देश में समानता आती है क्या, जो मंत्री जी ने बयान दिया है? और मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से यही अपील करता हूँ संगठन के तरफ से, भाइयों के तरफ से, कि इनको मंत्री पद से मुक्त किया जाए, जो अपने मंत्री पद का पूर्ण रूप से सही तरीके से उसका चालान वो कर नहीं पा रहे हैं। और इन्होंने जो कहा है तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि राजपूत माँ बहनों ने अपने स्वाभिमान के लिए अपने जौहर कर लिया था और आगे जो भी अगर संगठन के द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे, अगर ज़्यादा विरोध होगा तो हम उनके लिए विरोध करने के लिए तैयार हैं और बीजेपी सरकार से ईंट बजाने के लिए तैयार है। और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इसका खुलकर विरोध कर रही है।